प्यार, मार, संस्कार, उसके बाद जो हमें मिलता है संसार का प्यार। हमें घर से, हमारे माता पिता से, हमारे परिवार से, हमारे पड़ोसियों से जो संस्कार मिलते हैं, हमारी माता पिता हमें जो मारते हैं, दुलारते हैं, संस्कार देते हैं, उससे संसार का निर्माण हो जाता है। क्योंकि हमने जो प्राप्त किया है वही हम बांटने का प्रयास करते हैं, हमारे पास जो होगा हम वही बांटेंगे ना। इसी तरह से अगर हम संसार के निर्माण में लग जाते हैं तो हमारे अनुभव ही काम आते हैं। हमारे अनुभव से मतलब ये है, हमारे पूर्वजों के अनुभव, हमारे जो रक्त में जो अनुभव का जो घोल मिला हुआ है वही अनुभव काम आएंगे ना। हमारे अनुभव लोगों के लिए उपयोगी हों, हमारे लिए उपयोगी तो होंगे ही भाई। अगर हम मिठाई खा रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, तो उपयोगी वो सबके लिए है। हम यदि तीखी दवा कोई बांटने लगे या तीखा कोई ऐसा, हम नमक बांट रहे हैं मान लीजिए, तो नमक कितना खाएगा व्यक्ति? आप भंडारे में नमक बांटने की योजना बनाए कि मुझे नमक बांटना है, तो लाइन कम लगेगी। मिठाई बांटने की आप भंडारे में योजना बनाइए तो लाइन ज़्यादा लगेगी, भीड़ ज़्यादा होगी। क्यों? अच्छा सबको पसंद है। इसलिए हमारे संस्कार, हमारे पूर्वजों का प्यार, उसी से निर्मित होगा एक सच्चा संसार। इस पर बार बार चिंतन करें, बार बार मंथन करें। अगर हमारे माता पिता हमें प्यार नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं, संस्कार नहीं देंगे, तो इस संसार का निर्माण नहीं होगा। तो अगर आपको ये विषय अच्छा लगता है तो लोगों तक पहुँचाएँ, आप भी सुनें, कुछ कमियाँ हो तो बताएँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।